तो दोस्तों चाहे आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, आपको रेटिंग एडवांस लेवल की आनी चाहिए, तभी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। पहले के टाइम पे लोग वीडियो को शूट करते थे और उनको यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे तो उनके व्यूज आ जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे यूट्यूब में काफ़ी कंपटीशन हो गया। तो जब तक आप एडिटिंग को एडवांस लेवल की नहीं कीजिएगा, जब तक आपने वीडियो को अच्छे से एडिटिंग नहीं कीजिएगा, तब तक लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल की एडिटिंग आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बहुत लोग जो नए यूट्यूबर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि अपने वीडियो में कुछ इस तरह स्क्रीनशॉट कैसे ऐड करते हैं। जैसे उनको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना होता है तो वो किस तरह ऐड करेंगे, जैसे उनको अपने डिस्प्ले में कुछ लिखना होता है तो वो किस तरह लिखेंगे, जैसे उनको कुछ टेक्स्ट को इधर से इधर ले जाना होता है तो वो किस तरह ले जाएंगे, जैसे उनको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ एरो से कुछ इंडिकेट करना होता है, एरो को मूव करवाना आता है तो वो किस तरह करेंगे, जैसे उनको कुछ स्क्रीन शॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ उनको ब्लर करना होता है, जो उनका पर्सनल फाइल होता है उनको ब्लर करना होता है, वो किस तरह करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एडिटिंग करने के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऐप होता है वो होता है काइनमास्टर। तो अगर आपके पास वाटरमार्क फ्री वाला काइनमास्टर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि आप किस तरह वाटरमार्क फ्री वाला काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम काइनमास्टर को ओपन कर लेंगे। देखिए, ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए, क्लिक करने के बाद आपके पास भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए 16:9 ये जो होता है ये YouTube का लॉन्ग वीडियो का रेशियो होता है, और 9:16 ये YouTube का शॉर्ट वीडियो का रेशियो होता है। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 9:16 का साइज को लीजिएगा, अगर आप लॉन्ग वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप 16:9 का रेशियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए, क्लिक करने के बाद आपके पास भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम वीडियो को ले लेंगे। उसके बाद आपको ऊपर में कट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे मेरा वीडियो आ चुका है। अब आप मान लीजिए कि आप शुरू का पार्ट को काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, देखिए आप जहाँ से वीडियो को कट करना चाहते हैं रेड लाइन को वहाँ तक ले जाके रख दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप लेफ्ट साइड का भाग को काटना चाहते हैं तो आप वीडियो क्लियर पर क्लिक कीजिएगा, या ट्रिम है उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप लेफ्ट का भाग काटना चाहते हो तो आप ट्रिम लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, ये लेफ्ट साइड का पार्ट कट चुका है। अब मान लीजिए आप इसको मिस्टेक से कट कर दिया, आपको लाना है इसको वापस, तो आप कैसे लाइएगा। इस साइड में आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये वापस आ चुका है। देखिए, अब देखिए सेकेंड में आपको ट्रिम राइट दिख रहा होगा, अगर आप ट्रिम राइट पे क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए वीडियो का इधर राइट साइड का भाग को आप काटना चाहते हैं तो आप ट्रिम राइट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप वीडियो में कुछ बीच में गलती बोल दिए हैं, या फिर आपको बीच में जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी आप बोल दिए हैं, तो आप उसको कैसे कट कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से आप गलत बोले हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ट्रिम पे क्लिक कीजिएगा, और तीसरे में लिखा है स्प्लिट, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये वीडियो आपका बीच से कट हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक गलत बोले हैं, तो फिर यहाँ पे स्प्लिट कर दीजिएगा। देखिए, ये आपको वीडियो का बीच कट चुका है, बीच वाला पार्ट जो है ये अलग हो गया है, तो आप ये बीच वाले आपको क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये बीच का पार्ट आपका कट चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए आप वापस लाना है तो उसी तरह आप यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिएगा, ये वापस आ गया। अब मान लीजिए आपको स्क्रीन शॉट लगाना है तो आप कैसे लगाइएगा, लेयर के ऑप्शन पे जाइएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, और जो स्क्रीन शॉट आपको लगाना है वो यहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए हम पहले ले लेते हैं स्क्रीन शॉट। देखिए, जैसे हमको ये वाला स्क्रीन शॉट लगाना है, देखिए उसके बाद आपको कट पे क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ये वाला स्क्रीन शॉट आ गया, देखिए आप इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मोबाइल का फ्रेम गूगल में जाना है, वहाँ पे लिखना है मोबाइल फ्रेम PNG, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम डाउनलोड करके रखे हैं तो पहले हम यहाँ से मोबाइल के फ्रेम को भी ले लेते हैं। देखिए मोबाइल के फ्रेम को हम ले लिए, उसके बाद आपको कट पर क्लिक कर देना है। देखिए, मोबाइल का फ्रेम आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको जूम करके इस पर सेट करना है। देखिए कुछ इस तरह, देखिए सेट करना है। देखिए, अगर आपको मोबाइल सेट नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप ये फ्रेम को इधर कीजिएगा और आपका जो ये स्क्रीन शॉट है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए, क्लिक करने के बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा क्रॉप, क्रॉप में जाइएगा और ये मास्क वाला जो इसको इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद आप इसको कट भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह, अगर आप इसको कट कर दीजिएगा तो ये अच्छे से आपका बैठ जाएगा। और देखिए, सेप लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ जो सेकेंड वाला सेप है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए,
ये मोबाइल के जैसा ही कॉर्नर साइड में ये गोल हो जाएगा। देखिए क्या बैक आ जाएगा आप। देखिए अब आप क्या कीजिएगा, अब आप ये मोबाइल के फ्रेम को सेट कीजिएगा तो ये अच्छे से आपका सेट हो जाएगा। देखिए आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए देखिए कितने अच्छे से सेट हुआ। देखिए आप भी कुछ इसी तरह सेट कर सकते हैं। अब आपको इसमें अगर एनिमेशन डालना है तो आप एनिमेशन भी डाल सकते हैं। देखिए हम बताते हैं किस तरह। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये स्क्रीनशॉट जो लगाया है उस पर क्लिक करना है और इन एनिमेशन में जाना है। देखिए और यहाँ पे आपको पॉप लगा देना है। मान लीजिए पॉप को जो भी एनिमेशन लगाना है आप देख लीजिएगा, पॉप लगा लेते। देखिए फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब फिर आपको मोबाइल फ्रेम में भी पॉप लगाना है क्योंकि आप दोनों एक साथ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ये एक साथ आता है। देखिए फिर आपको मोबाइल फ्रेम पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन में आपको पॉप लगा देना है। देखिए अब मान लीजिए आप चाहते हैं आउट एनिमेशन लगाना, मतलब आप चाहते हैं कि जिस तरह आपका स्क्रीनशॉट आया है उसी तरह जाए, या फिर आप उसमें कुछ एनिमेशन डालना चाहते हैं जब ये एंड में खत्म होगा तब आप एनिमेशन डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए आउट एनिमेशन में जाइएगा, इसमें भी आप स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं या कोई भी एनिमेशन आप देख लीजिएगा जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। आप जो फ्रेम में लगाए वही आपको स्क्रीनशॉट में भी लगाना है। तो देखिए इसमें भी हम स्लाइड लेफ्ट कर देंगे। देखिए स्लाइड लेफ्ट कर दी, अब यहाँ से बैक आ जाइएगा। अब आपको हम एक बार प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए ये कैसे आया, अब देखिए ये कैसे एंड में किस तरह जाता है। देखिए देखिए ये एंड में भी गया तो स्लाइड लेफ्ट होके गया, इसी तरह आप भी लगा सकते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम हटा दिए। देखिए देखिए अब मान लीजिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना, अभी हम स्क्रीनशॉट लगाए थे, अब मान लीजिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना है तो वो आप कैसे लगाइएगा। फिर से आप लेयर के ऑप्शन पे जाइएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको लगाना है आप यहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए हम पहले ले लेते हैं। देखिए यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम ऐड कर लेंगे। देखिए हम कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर हमें कट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा आ गया। अब आपको यहाँ पे साइड में या जहाँ पे भी आपको लगाना है आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है मोबाइल फ्रेम, उसके लिए फिर से आप लेयर पे जाइएगा, मीडिया के ऑप्शन पे जाइएगा, तो आप जिस फाइल में होगा आप वहाँ से ले लीजिएगा। मेरे डाउनलोड वाले सेक्शन में है तो हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हम मोबाइल फ्रेम को ले लिए, अब आपको कट पे क्लिक कर देना है। देखिए मोबाइल फ्रेम आ चुका है, अब आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। देखिए इसको एडजस्ट कर लेना है। देखिए इसको छोटा कर लीजिएगा इस तरह एडजस्ट। देखिए जैसे आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप फिर से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा, क्रॉपिंग के ऑप्शन में जाइएगा और इसको मास्क जो लिखा है इसको इनेबल कर लीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह आपको कट कर लेना है। देखिए देखिए कट कर लेना, उसके आपको सेव के ऑप्शन पे जाना है और सेकंड वाले को चूज कर लेना है। देखिए इसके बाद बैक कर लीजिएगा। अब आप ये फ्रेम को यहाँ से इस पर लगा सकते हैं। देखिए देखिए ये हट गया, तो थोड़ा प्ले कर लेते हैं। देखिए अब फ्रेम को आप फ्रेम वाले पे क्लिक कीजिएगा और इसको यहाँ पे अच्छे से आप सेट कर सकते हैं। देखिए देखिए कितने अच्छे से एडजस्ट हो गया, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से एडजस्ट हो गया। देखिए आप जो भी एनिमेशन इसमें ऐड कीजिएगा दोनों में आपको एक ही एनिमेशन लगाना है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और मोबाइल फ्रेम दोनों में आपको एक ही एनिमेशन लगाना है। अगर आप एक ही एनिमेशन लगाइएगा तो वो साथ साथ आएगा और साथ साथ जाएगा, और आउट एनिमेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप एक ही एनिमेशन लगाइएगा, जो भी लगाइएगा आउट एनिमेशन तो एक ही लगाइएगा, उससे आपका साथ साथ आएगा और साथ साथ खत्म होगा। देखिए लगा लिए। अब मान लीजिए कि आप इसमें कुछ ब्लर करना चाहते हैं, होता है कि कोई लोग अपने कोई पर्सनल चीज को नहीं दिखाना चाहते हैं या फोटो को नहीं दिखाना चाहते तो उसको ब्लर करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा। देखिए लेयर के ऑप्शन पे जाइएगा, एफएक्स लिखा है इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है बेसिक इफेक्ट्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको दो तरह का एफएक्स मिल जाएगा। देखिए जैसे दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेकंड वाले को ले लेते हैं। देखिए उसके बाद आपको बैक आ जाना है। देखिए जैसे ये एफएक्स आ गया, आप उसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह करके आप लगा सकते हैं। देखिए चलिए इसको हम हटा देते हैं, आपको हम बता दिए हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए सारे को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपको ग्रीन स्क्रीन वाला सब्सक्राइबर बटन लगाना है, या फिर कुछ लोग होते हैं कि मीम्स लगाते हैं ग्रीन स्क्रीन वाला, तो वो आप कैसे ग्रीन बैकग्राउंड उसका हटाइएगा। तो चलिए लेयर के ऑप्शन पे जाते हैं, मीडिया पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से जो हम सब्सक्राइबर बटन को डाउनलोड किया उसको पहले यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो चलिए पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन वाला सब्सक्राइबर बटन ले लेंगे। देखिए
ले लिए। अब यहाँ पे कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए ये आपका सब्सक्राइबर बटन यहाँ पे आ गया। अब आपको इसका ग्रीन बैकग्राउंड हटाना है तो वो आप कैसे हटाइएगा, देखिए आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की, इस पर क्लिक कीजिएगा और इसको इनेबल कर दीजिएगा। देखिए इनेबल करने के बाद इसका ग्रीन बैकग्राउंड जो था वो हट गया। अब हम आपको बताते हैं कि आप ट्रांजेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग अपने वीडियो के बीच बीच में ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ये वीडियो को यहाँ से, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से वीडियो को ट्रिम कर लीजिएगा, ट्रिम के ऑप्शन पे जाइएगा, स्प्लिट कर लीजिए। देखिए स्प्लिट करने के बाद ये दोनों पार्ट अलग हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा लकीर आ गया। अब आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको ट्रांजेक्शन मिल जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट, देखिए अगर आप ये वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट किया, देखिए आपका कुछ इस तरह जाएगा। मान लीजिए आप ये वाला कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए कुछ इस तरह आपका जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए फन वाला जो ट्रांजेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए बहुत सारा है, देखिए कुछ इस तरह आपका इफेक्ट होगा वीडियो में। देखिए देखिए कुछ हार्ट वाला लीजिएगा तो देखिए, देखिए अगर स्टार वाला लीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपका इफेक्ट होगा अगर आप ये सब को यूज कीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा तो कि आपको ट्रांजेक्शन वीडियो में कैसे ऐड करना है। देखिए अब मान लीजिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट लगाना है तो आप कैसे लगाइएगा, देखिए लेयर के ऑप्शन पे जाइएगा, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही टाइप कर लेते हैं। देखिए जैसे हम टेक्निकल यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ए फॉन्ट में जाना है इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए। आपको जो भी फॉन्ट पसंद आए आप यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ से रोबोटो ब्लैक को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए इसका फॉन्ट जो है ये चेंज हो चुका है। अब मान लीजिए आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कलर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कलर आपको मिल जाता है। देखिए जैसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले लीजिएगा, हम यहाँ पे व्हाइट कलर ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको सही पे क्लिक कर लेना है। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको इसमें एनिमेशन ऐड करना है। देखिए इन एनिमेशन में, देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको एनिमेशन मिल जाता है। देखिए बहुत लोग लेटर बाय लेटर यूज करते हैं। देखिए इस तरह। अब मान लीजिए आपको इसको फास्ट स्लो करना है, जैसे ये बहुत जल्दी जल्दी लिखा रहा है तो इसको स्लो करना है या फास्ट करना है तो आप यहाँ से इसका स्पीड भी कम कर सकते हैं। देखिए स्पीड हो गया, मान लीजिए आपको स्लो करना है। देखिए कुछ इस तरह आप फास्ट स्लो भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए एक बार हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह आप यहाँ से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये टेक्स्ट को इधर से कुछ इधर ले जाना है तो आप कैसे ले जाइए, आपको क्या करना है, पहले ये टेक्स्ट जो है टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको आपको यहाँ पे लेके जाना है। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे की दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है इसको आपको यहाँ से कुछ इस तरह ऐसे खींच के इधर कर देना है। देखिए इधर कर देना है, हो गया आपका की ऐड हो चुका है। अब आपको एक बार हम प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए आप देखिए किस तरह टेक्स्ट इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसमें बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप इसी टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आ जाइएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये वाला दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको रेड कलर लेना है तो आप रेड ले सकते हैं, हम यहाँ पे रेड लिए हैं, या फिर आपको जो भी कलर लेना हो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको सही पे क्लिक कर देना है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि फुल विथ बैकग्राउंड पे लेना तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ से बैक आ जाइएगा। देखिए आपको अगर प्ले करके दिखा देते हैं, देखिए कुछ इस तरह भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि आपको एरो को मूव करवाना है तो आप कैसे करवाइएगा, तो देखिए लेयर के ऑप्शन पे जाइएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा और एरो को आप गूगल से या किसी भी
ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम एरो को ले चुके हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको एरो को जिस साइड से इसको रखना है आप कर लीजिएगा। अब देखिए एरो को आपको मूव करवाना है तो आप कैसे करवाइएगा, आपको यहाँ पे की दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। आपको इसको थोड़ी दूर पे ऐसे ले जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एरो को थोड़े से ऐसे नीचे कर लेना है, जिस तरह आपको मूव कराना है कर लीजिएगा। फिर आप थोड़ी दूर तक इसको खिसकाइएगा, फिर आपको एरो को जिधर ले जाना है उधर ऐसे मान लीजिए करना है तो कर लीजिएगा। फिर आप लेयर को थोड़ा आगे ले जाइएगा और इसको आपको जिधर से मूव कराना है आप कर लीजिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे की ऐड हो चुका है, वहाँ आपको एक बार प्ले करके दिखा देते हैं इसको। देखिए देखिए इस तरह आप भी की ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसको सीधा करना है, सीधा इसको मूव करवाना है तो आप कैसे करवाइए हम आपको वही भी बता देते हैं। देखिए जहाँ जहाँ की अप्लाई की है वहाँ से पहले हम हटा देते हैं। उसको हटाने के लिए क्या कीजिएगा, फिर से आप की वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिएगा। देखिए देखिए सारे में हम माइनस कर दिए। अब मान लीजिए आपको इसको सीधा मूव कराना है तो आप कैसे कराइएगा। देखिए पहले आपको पूरा एंड तक इसको ले जाना है, यहाँ तक देखिए यहाँ तक, और इसको सीधा ऐसे कुछ इस तरह से देखिए ऐसे मूव कर दीजिए, बस हो गया, यहाँ से बैक आ जाइए। चलिए बार इसको भी प्ले करके दिखा देते हैं आपको। देखिए आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से ये मूव हो रहा है। तो चलिए ये भी आप समझ गए होंगे, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट कर दिए। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए क्लिक करने के बाद अगर आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करना है तो हम इसको यहाँ पे बैक आ जाएंगे। देखिए अब मान लीजिए आपको यहाँ पे नो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यानी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो आप कैसे लगाइएगा, उसके लिए आपको ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिस फाइल में आप बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड किए होंगे आप यहाँ से जिस भी फाइल में किए होंगे यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा। देखिए जैसे जिस भी फाइल में आप किए होंगे आप यहीं से ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद आप कट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए बैक आ गए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसको एक्सपोर्ट यानी सेव कैसे करना है। उसके लिए आपको ऊपर में एरो दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए क्लिक करने के बाद आपको रिसोल्यूशन में फुल HD पे रखना है और फ्रेम रेट पे 30 पे रखना है और ये बिट रेट जो है इसको आपको हाई ही रखना है और सेव एज वीडियो दिख रहा होगा आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए तो ये सेव होना स्टार्ट हो गया, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह वीडियो को एडिट कर सकते हैं। मैं कोशिश की हूँ कि हर टॉपिक को कवर कर, लेकिन अगर अब भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।